पहले बेटे असेंट फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं. वी आर हैविंग टाइम, देन आई विल बी गिविंग योर सोप बबल एंड एयर बबल आल्सो. राइट बेटा? सो आइए बेटे देखें असेंट फॉर्मूला क्या है. असेंट फॉर्मूला बेटा, जैसे बेटे आप लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपके पास अगर एक कैपिलरी ट्यूब है और आप उस कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड वाटर में डिप कर देते हैं, देन बेटे वी सी द लिक्विड लेवल इट राइजेस अप इन द कैपिलरी ट्यूब. ये जो राइज है इन द कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू द वाटर और द लिक्विड इन विच इट इज केप्ट बेटा, दैट इज कॉल्ड योर असेंट फॉर्मूला. लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे केसेस में आपका लिक्विड का कॉलम जो है वो ऊपर को एडजस्ट हो जाए. जो लिक्विड आपके ग्लास के वेसल को वेट करते हैं, ग्लास की सरफेस को वेट कर देते हैं, उनके केस में आपका लिक्विड का लेवल राइज कर जाता है. जो वेट नहीं करते हैं उस केस में ये डाउन भी चला जाता है. जैसे मरकरी है, अगर आप मरकरी कंसिडर कर लोगे तो मरकरी के केस में आपका जो असेंट फॉर्मूला है वो डिसेंट फॉर्मूला बन जाया करता है. तो अकॉर्डिंगली वी शुड बी रेडी बेटा. आइए देखें बेटा, इमेजिन कर लीजिएगा ये आपके पास एक बेटे फाइन कैपिलरी ट्यूब है और मैंने आपको इसको बेटा मैग्नीफाइड व्यू इसका दिखाने की कोशिश की है, बड़ा करके इसको दिखाया है आपको. और ये आपके पास बेटे एक पानी का कंटेनर है जिसको आपने पानी के साथ बच्चों फिल कर रखा है. एंड जब आप इसको पानी से फिल करके रखोगे और आप विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंड और सम डिवाइस इस कैपिलरी ट्यूब को एडजस्ट करके रखोगे, वी एक्सपेक्ट दैट कि लिक्विड का लेवल जो है वो इस तरीके से अपने आप को इस हाई तक रादर एडजस्ट कर लेता है. एंड फर्दर मोर बच्चों इमेजिन करिएगा आपका लिक्विड जो मेनिस्कस है, लोअर मेनिस्कस, आप जैसे टाइट्रेशन वगैरह में भी लोअर मेनिस्कस से रीडिंग लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू स्मॉल एच फ्रॉम द टॉप ऑफ द सर्फिस. बेटा असल में होता क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर जब आपकी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पे एक्ट करेगा तो इस एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो लिक्विड है इट राइजेस अप इन द कैपिलरी ट्यूब बेटा, और वो जो हाइट है उसको हमने एच बोल दिया है. एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आई होप आपको याद होगी सबको, 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. वेरी नाइस. तो इसमें बेटे आपका लिक्विड इस लेवल तक राइज कर गया है. अब कौन सी फोर्स आपके लिक्विड को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करके रखती है, या कौन सी चीज इसके इतने वेट को सपोर्ट करके रखती है कि ये नीचे ना आ जाए, तो दैट इज बेटे बेसिकली टू बी कैलकुलेटेड इन दैट टर्म्स बेटा. अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ये इस सरफेस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इन दिस मैनर, मैं थोड़ा इसको टेंजेंट को एक्सटेंड कर रहा हूं, ये आपको सरफेस टेंशन बता देगा जो लिक्विड की सरफेस पर इनसाइड द लिक्विड एक्ट कर रही होगी. और एज इज द एक्शन सो इज द रिएक्शन आल्सो बेटा, और आपका जो रिएक्शन होगा लिक्विड की सरफेस पे इट विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसके बराबर ही है. तो रिएक्शन को आप बेटे टेंशन कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और बच्चों आप इस एंगल को एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा बोला करते हैं, दिस विल आल्सो भी बेटे थीटा आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. और बेटे जब आप इस टी को कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, इस तरफ आपका कंपोनेंट आ जाएगा जी टी कॉस थीटा कंपोनेंट, बिकॉज थीटा इस लाइन के वर्टिकल लाइन के साथ वाला एंगल आपने माना है ना बेटा. और आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, दिस विल बी डियर चिल्ड्रन टी साइन थीटा कंपोनेंट. अब बेटे इस ट्यूब के बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे आ जाइएगा. जैसे बेटे इमेजिन कर लीजिएगा कि बेटे दिस बॉटल इज एम्प्टी, एक मिनट के लिए दीजिएगा, थैंक यू बेटा. ये बेटे हमारे पास कैपिलरी ट्यूब तो नहीं है, वाटर बॉटल है. इसके आप इस क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखिएगा, ये इस क्रॉस सेक्शनल व्यू की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होगी, और आप
इसके अगर आप टी कॉस थीटा की बात करो तो हमने सिर्फ एक ही पॉइंट पर लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में ये टी कॉस थीटा कंपोनेंट की ड्रॉ की है। तो अदरवाइज क्या है, ये पूरे के पूरे आपके सर्कमफ्लेंस के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा कंपोनेंट सारे के सारे एक्ट कर रहे हैं। सो इन दिस वे बेटा हम इस केस में बेटे अगर टोटल फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन हमने देखना होगा तो आप जैसे डेफिनेशन से जानते हैं सरफेस टेंशन आपका था बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ था। यहाँ पे कितनी लेंथ है, 2 पाई आर के बराबर। अगर आपका इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस आपने स्मॉल आर कहा हुआ है तो एल डियर चिल्ड्रन आपका 2 पाई आर के बराबर है, सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो बच्चों आपका जो फोर्स है इट विल बी इक्वल टू टी इनटू बेटे 2 पाई आर, टी के साथ कॉस थीटा भी है तो मुझे वो भी लिखना पड़ जाएगा। इतना नेट फोर्स आपके लिक्विड को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है, खींच रहा है, राइट बेटे। फिर से ध्यान दीजिएगा, टी कॉस थीटा कंपोनेंट आपने सिर्फ एक पॉइंट पे ड्रॉ किया है, अदरवाइज ये पूरे सर्कमफ्रेंस के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में इतनी लाइंस आप बना लीजिए, इमेजिन कर लीजिए अपने माइंड में। और आप इस टी कॉस थीटा कंपोनेंट को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये जो है बेटा नेट अपवर्ड फोर्स किसकी वजह से है पुत्र वैभव, किसकी वजह से है ये नेट अपवर्ड फोर्स? सरफेस टेंशन। बहुत बढ़िया, नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बेटे। तो ये आपने वर्कआउट कर ली एंड लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर वन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाली है, ये वाली फोर्स कितने लिक्विड के वेट को पुल कर रही है वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना लिक्विड का जो टोटल वेट है इसने अपना अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रखा है। उसके लिए आपको लिक्विड की डेंसिटी रो मान लेनी पड़ेगी, जनरली रो ही हम लेते हैं। तो आपका बच्चों वेट ऑफ द लिक्विड जिसको ये आपका अपवर्ड फोर्स सपोर्ट कर रहा है, पुल कर रहा है, वो चाहिए। और वो वेट बेटे जो है वो एम इंटू जी के बराबर होगा। द वेट, दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, कितने लिक्विड का कॉलम, ये इतने वाला लिक्विड का कॉलम, ठीक है जी। और बेटा जब हम वेट को कैलकुलेट करेंगे तो हमें मास चाहिए होगा, मास कितना है लिक्विड का, और मास बेटे आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी करना पड़ेगा हमें, राइट। और वॉल्यूम आइए बेटे निकाल के देखें, आई होप आपने इक्वेशन नंबर वन कर लिया होगा नोट कि नहीं किया, हो गया बेटे यहाँ तो ये नोट कर लिया एक्सप्रेशन ना, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ओके सो आइए आगे चलें, और बेटी थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा डायग्राम की तरफ। जैसे आपके सर्कमफ्रेंस के अलोंग टी कॉस थीटा कंपोनेंट ऊपर एक्ट कर रहे हैं, हर एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर टी साइन थीटा अपोजिट है इस तरीके से। अगर इधर टी साइन थीटा है इस तरफ भी टी साइन थीटा होगा, पूरे सर्कमफ्रेंस के अलोंग टी साइन थीटा कंपोनेंट्स आपस में कैंसल आउट कर जाएंगे और नेट फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से अलोंग द हॉरिजॉन्टल कोई भी नहीं होगा, जीरो होगा, बिकॉज ये पेयर्स ने कट कर जाएंगे एक दूसरे को, हॉरिजॉन्टली अपोजिट है ये। सो वॉल्यूम के लिए आप इतना हिस्सा देखिए, यहां तक ये वाला पार्ट, इतना पार्ट आपका लिक्विड कॉलम का, ये एक सिलेंडर की तरह वेसल बना हुआ है और सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है पुत्र, पाई आर स्क्वेयर एच। बहुत बढ़िया बेटा, इट इज पाई आर स्क्वेयर एच कर दिया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप इतने लिक्विड का वॉल्यूम आपको और चाहिए, ये जो आप देख रहे हो थोड़ा सा और भी कंपोनेंट है, इसके लिए आपने क्या किया कि ये इस स्फीयर को जो आपकी लिक्विड की सरफेस में बन रहा था ये मेनिस्कस की अकॉर्डिंगली इसको कंप्लीट कर लीजिए आप, या आप ऐसे कह लीजिए कि ये आपके पास में थे एक और जो है आर के बराबर का रेडियस, ये आर के बराबर रेडियस हो गया ना बेटा, स्मॉल आर रेडियस हो गया,
आर रेडियस वाला एक छोटा सा सिलेंडर और पड़ा है ये ऊपर, उसमें से इतना हिस्सा खाली भी है, ये हम स्फीयर का वन हाफ निकाल देंगे बीच में से वॉल्यूम का। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं इस पार्ट को थोड़ा मैग्नीफाई करके अगर बनाने की कोशिश करूं तो मेरे पास बच्चों ये चीज बनी है कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट। इतने हिस्से का हम वॉल्यूम ये निकालना चाहते हैं, हम क्या करेंगे इसको एज ए सिलेंडर मानकर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से ये स्फीयर का वॉल्यूम जो है हाफ लेकर माइनस कर देंगे। ठीक हो गई बात जी? तो बच्चों देखो पाई आर स्क्वायर, इसका एच कितना है जी, रेडियस के बराबर ही है ना बेटा, और माइनस ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये तो हाफ ही है तो हमें हाफ करना पड़ेगा। सो चेक करिएगा वॉल्यूम का कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गया सारे बच्चों को। फिर से देखो पुत्र, फिर से देखो एक बार, हमने क्या किया है, इतने लिक्विड के कॉलम के वॉल्यूम को तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। एक तो लोअर मेनिस्कस तक तो आपका सिलेंडर बन गया, इसमें कोई बहुत बात ही नहीं है। इसके बाद ये वाला पार्ट मैंने इधर दोबारा ड्रॉ किया बड़ा करके, ये आपका पूरा हिस्सा इतना जो है ये सिलेंडर है, आर के रेडियस के बराबर की हाइट है इसकी। हमने ये सारे का वॉल्यूम निकाल लिया, ये इसमें से ये वाले हिस्से का वॉल्यूम स्फीयर का माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये जो साइड्स पे लिक्विड है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि पिटी, बिकॉज यहां पे हाइट आपका रेडियस के बराबर का है ना, है तो एच ही, अगर आप फार्मूला लिखोगे ना पुत्र एच लिख लो, लेकिन एच आपका यहाँ पे इस केस में तो रेडियस के बराबर ही है ना, दैट इज वाई इट इज इक्वल टू आर। ठीक हो गई बात बेटे? और रो और जी आप ऐसे यूज कर लीजिए। अब देखिए आपका टू यहाँ पे ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, पाई आप कॉन्स्टेंट ले सकते हो, कॉमन है सब में, कॉन्स्टेंट है कॉमन ले सकते हो, आर का स्केयर भी सब में ही आप कॉमन ले सकते हैं, तो यू कैन से पाई आर का स्केयर, बाकी बच गया जी एच प्लस पुत्र स्मॉल आर, और माइनस बेटा वंश लिखवाएगा कितना रह गया जी, टू बाई थर्ड ऑफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बेटी। बहुत बढ़िया जी, ये आर में से 2/3 को माइनस करोगे तो कितना बना, वन थर्ड ऑफ रेडियस बचा ना, तो इट विल बी पाई आर का स्क्वायर एच प्लस रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब उसका तीसरा हिस्सा। बड़ी फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है बेटे हमारी, इसका रेडियस बड़ा छोटा होता है, थोड़ा होता है, कम होता है, उसका भी आप तीसरा हिस्सा लोगे तो इट इज नेग्लिजिबल। तो बच्चों आपकी ये वाली जो टर्म है वॉल्यूम की, इसके साथ बेटे आप रो और जी जरूर लगाइएगा, वो नहीं रह जाना चाहिए, ये टर्म आपकी जो है इट इज बेटे वेरी स्मॉल, और डियर चिल्ड्रन आप इसको देन निग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम। सो फिर बच्चों हमारे पास बचा कितना, वेट कितना बन गया आपके इस लिक्विड के कॉलम का, दैट इज इक्वल टू बेटे पाई आर का स्केयर तो है ही है जो आपने ऑलरेडी लिखा था, अंदर ब्रैकेट के एच टर्म बच गई, रो और जी एस एच आ गया, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बेटे। निधि क्लियर है? बिल्कुल, कोई शक कोई बात? ओके, और आइए देन आगे बेटे फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर कर रहेंगे, बिकॉज वही फोर्स इतने लिक्विड के कॉलम के वेट को पुल करके रखे हुए है। सो यू कैन राइट बेटा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, लिख लीजिए आप इन्हें, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 कॉमा वी गेट, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 आपके था बेटा पास था बेटा टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, चेक कर लीजिएगा यही था,
और इधर आपके पास आ गया पाई आर स्क्वायर एच रो जी। देखिए कोई टर्म कम या ज्यादा तो नहीं हो गई बच्चों? दीक्षा क्या कम है कि ज्यादा है कि ठीक है? ओके पाई आपका बच्चों कैंसल आउट हुआ, राइट जी। और एक आर भी देखिए कैंसल आउट हो गया, कॉस थीटा तो है नहीं दोनों तरफ आपका, बच गया जी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, साथ में टू भी है, टू टी कॉस थीटा इज आर एच रो जी। आपको हाइट चाहिए, हाइट एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। तो ये बेटे आपके पास हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर आ गया। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कई बार डायमेंशंस में पहले चैप्टर में आपको ये दे देते हैं, कहते हैं कि प्रूव करो जी ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इस चीज का अपने माइंड में ध्यान आपने रखना है। तो डायमेंशनली करेक्ट अपने आप आ ही जाएगा, आप करके देख लीजिएगा एक बार। चले आगे, इसमें अगर हम बेटे इसका एनालिटिकली डिस्कशन करके देखें तो जो लिक्विड्स आपके ग्लास की सरफेस को वेट कर देते हैं उनके केस में बेटे जो आपका थीटा है दैट इज बेटा ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, और कॉस ऑफ थीटा इन केसेस में ये आपका पॉजिटिव रहेगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना। और आपका एच हाइट जो है दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव, द लिक्विड विल राइज अप, इसको बोल देते हैं दैट इज वाई। यहां लिख लीजिए आप, अगर एच पॉजिटिव है लिक्विड विल राइज अप, और इसीलिए इसको बोल देते हैं असेंट फॉर्मूला बेटा, राइट जी बेटे। सेकंड केस, अगर आप उन लिक्विड्स की बात करो जिनके केस में एंगल थीटा मोर देन 90 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए आप, और आपका कॉस ऑफ एंगल थीटा इट विल बिकम नेगेटिव जी, और अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूला में पुट करके देखो एच विल बिकम नेगेटिव। एच नेगेटिव होने का मतलब है ये इस लेवल से भी नीचे चला जाएगा। मरकरी का मैं आपको बना के दिखा देता हूं इन द एंड, इसको आप बेटे डिसेंट फॉर्मूला कह सकते हैं। मैं आपको एक बार अगर थोड़ा सा बना के दिखा दूं मरकरी में, आप चलिए जब आप बड़े हो जाएंगे आप करके देखेंगे अभी इसको, अभी हम इसको मरकरी के साथ लेबोरेटरी में नहीं करने वाले हैं। ये मरकरी का आपका बेटा टब में जो रखोगे तो ऐसे होगा मरकरी, ऐसे इसका मेनिस्कस भी कन्वेक्स रहेगा। आपने कैपिलरी ट्यूब इसमें डिप किया, लिक्विड मरकरी का लेवल कुछ इस तरीके से होगा, दिस विल बी द शेप ऑफ द मेनिस्कस इन दिस वे बेटा, कुछ इस तरीके की आपकी सेटअप बन जाएगी, ये इतना नीचे आ जाएगा राधा, राइट। चलें जी आगे, कई बार बेटे 5 मार्क्स में वो आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप इनसफिशियंट लेंथ की आपको कैपिलरी ट्यूब दी गई है, या ऐसे कह लो कि इसको थोड़ा सा ऊपर से तोड़ दिया हमने, कट कर दिया, तो विल द लिक्विड स्पिल आउट और नॉट, समथिंग लाइक दैट। आप हेडिंग दे सकते हैं द लिक्विड राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इन सफिशियंट लेंथ, लिक्विड राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ इन सफिशियंट लेंथ, मतलब लेंथ आपने इंटेंशनली कम कर दिया है, इन सफिशियंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब आपने बेटा इमेजिन की है, तो व्हाट विल बी द केस ओवर हियर, आइए देखें स्टडी करके। ये बच्चों आपका अगेन कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने लिक्विड प्लेस कर रखा है, पानी प्लेस कर रखा है, और ये बेटे आपके पास आपका कैपिलरी ट्यूब, और मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं इसको, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। इसमें आपने अब अपना लेंथ इनसफिशियंट किया है, मैंने इसको यहां से मान लीजिए ब्रेक कर दिया, इतनी हाइट रह गई इसकी। और अच्छा बेटी इससे पहले मैं एक बात और कहनी चाहूंगा, एच आपके पास था टू टी कॉस
कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका टू कांस्टेंट है, पानी के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जैसा भी पानी है उसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कांस्टेंट रहेगा, पानी की डेंसिटी तो नहीं बदलेगी, टेम्परेचर सेम पर, जी तो नहीं बदलने वाला, इसका मतलब है एच आपका इनवर्सली रेडियस ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड करा, और अगर ट्यूब बड़ी नैरो है पानी ज्यादा लेवल तक राइज करेगा, अगर ट्यूब ब्रॉड है तो पानी का लेवल नीचे रहेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ट्यूब की रेडियस की तो बात ही नहीं की है, आपने कहा कि आपने लेंथ इनसफिशिएंट किया है, देन व्हाट विल हैपन बेटा, मान लीजिए मैं ऐसा मेनिस्कस इसका बना देता हूँ ऐसे, तो ये मैं मेनिस्कस को अगर कंप्लीट करूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरीके का मेनिस्कस का जो है स्फेरिकल सरफेस ऐसे कुछ बन रहा है, अगर हम अंदाजा लगाने की कोशिश करें, है ना बच्चों, और ये इस इमेजिनरी स्फीयर जिसका ये कन्वेक्स सॉरी कनकेव अपवर्ड पार्ट इतने मेनिस्कस का एक छोटा सा हिस्सा है, एक इमेजिनरी स्फीयर है ये मेनिस्कस, उस इमेजिनरी स्फीयर का छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है, उस स्फीयर का बच्चों रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर। रमन है, है। और साथ ही साथ हमने ये हमारा सेंटर अप्रोक्सीमेटली कैपिलरी ट्यूब का, इस चीज को हमने क्या बोला हुआ है, स्मॉल आर ऑलरेडी बोला हुआ है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, है ना बुकर। हाँ जी, आप ये क्या कर रहे हो, दो दो कॉपियों पे कर रहे हो, अच्छा दो ड्यूल वर्क, एंगल थीटा आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बराबर ही रहेगा यहाँ पे। तो बेटे ये जो ट्रेंगल आप छोटी सी बनी हुई देख रहे हो इन द मिडल इन द सेंटर, ये वाली, इस ट्रेंगल में देखिएगा स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर को मैं बच्चों किसके बराबर लिखू, स्मॉल आर बेस है, कैपिटल आर हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा, गुड, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल थीटा, एंड आपका स्मॉल आर कितना हो जाएगा जी, कैपिटल आर इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। सो डियर डियर चिल्ड्रन, इस वैल्यू को जो आपकी स्मॉल आर की है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है, कर दें, ओके, एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू रो इंटू जी, आपका कॉस थीटा कट गया दोनों तरफ डिनोमिनेटर और ऊपर भी पड़ा है, खत्म हो गया ये, और आपके पास बच्चों बचा एच इज इक्वल टू टू टी अपॉन कैपिटल आर इंटू रो इंटू जी, और थोड़ा सा इस कैपिटल आर को अगर एडजस्ट करें, ये आपके पास बच्चों देखिए ये टू टी अपॉन रो जी बन जाएगा, एक ऐसा लग रहा है ये एक्सप्रेशन आपको, ठीक है, अच्छा है। इसमें ये देखिएगा टू आपका कांस्टेंट है बेटा, मैं इन टर्म्स में बात कर रहा था, एक्चुअली टू आपका कांस्टेंट है पुत्र, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है ना, और रो डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो बढ़िया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ये भी तो बेटे कांस्टेंट ही है ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी इस एक्सप्रेशन की सारी राइट साइड कांस्टेंट है, और आप लिख सकते हो एच इंटू आर इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट के। अब थोड़ा सा बेटे और फोकस करिएगा, कंसंट्रेट करिएगा, यहां मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, आपके पास कैपिटल आर बड़े वाला आर दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन एच आ गया, इसको हम इधर ले गए ना, उत्तर इधर ध्यान दो भाई, बाद में आपको टाइम देंगे, इसके बराबर आ गया,
इसका मतलब है कैपिटल आर इनवर्सली हाइट पे डिपेंड करा, इट विल डायरेक्टली मीन दैट कि अगर आपका हाइट कम हो जाएगा रेडियस बड़ा हो जाएगा। और रेडियस कैसे बड़ा होगा, मान लीजिए आपने थोड़ी सी और हाइट कम की तो ये मेनिस्कस थोड़ा सा इस शेप में आ जाएगा, ये ऐसी शेप ले लेगा, ये मेनिस्कस का देखिएगा ये रेडियस बढ़ गया और राइट बेटा। सो इस तरीके से आपका लिक्विड स्पिल नहीं करेगा, बाहर नहीं आएगा, अपनी मेनिस्कस की सरफेस को एडजस्ट करता चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं आप इसको यहां से काट दो फिर तो बाहर ही आएगा, ठीक है जी। सो इनसफिशियंट लेंथ अगर होगी, आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट व्हाट विल बी द सिचुएशन इफ द कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ इनसफिशियंट लेंथ, विल द लिक्विड स्पिल आउट और नॉट, एंड व्हाट आर योर सजेशंस इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स इन दिस रिगार्ड। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका बेटे 5 नंबर के लिए परफेक्टली एलिजिबल है, बहुत बार पूछा गया है। कई बार वो ये सारा करने के बाद आपको साथ में बी पार्ट में न्यूमेरिकल भी दे देते हैं साथ इसके, ना 3 नंबर में ये 2 नंबर में वो, आपके 5 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो यू हाँ जी, जितना जितना आप करोगे उसके हिसाब से हो जाएगा ना बेटा। बेटे इसमें कोई भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बताइए। ऑल वेल, ऑल क्लियर, ऑल राइट, वेरी नाइस। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बेटे सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर जैसे आप कह रहे थे थोड़ा हिंट सा दे देता हूं, टाइम तो कम बचा है। एक्सेस प्रेशर इन ए सोप बबल, एयर बबल का भी यही केस होगा। आपके पास एक सोप बबल है, इसका रेडियस आपने मान लिया कैपिटल आर और दिस इज द सेंटर, ये रेडियस आ गया। इसके अंदर बेटे प्रेशर पी एक्ट कर रहा है बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इमेजिन कर लीजिए इसके बाहर एटमोस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है ना। इमेजिन कर लो आपका लिक्विड थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया इसका साइज, और उसके बाद बाहर वाले एटमोस्फेरिक प्रेशर ने अंदर वाले प्रेशर को बैलेंस कर लिया, बाहर से एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और आपका इसके रेडियस में डी आर या डेल्टा आर कह सकते हो इतना इंक्रीमेंट हुआ। और हाँ जी बेटे, वर्क डन बाय दिस एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कितना है, अंदर वाला प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, दिस इज बेटा एक्सेस प्रेशर है। और बेटे वर्क डन आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपकी डीआर के बराबर हुई है, डीआर के बराबर एक्सपेंशन हमने इमेजिन किया है ना बेटा, है ना बेटे। और फोर्स आपका प्रेशर इनटू एरिया होता है, प्रेशर कितना है पी माइनस पी एटमोस्फेरिक, एरिया आ गया 4πr² इनटू डीआर, इतना आपका वर्क डन आ गया। ये वर्क डन किसकी कॉस्ट पे है, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस 4πr² का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सरफेस टेंशन, बिकॉज सोप बबल में एयर बबल में अंदर और बाहर दो सर्फिसेस ग्रो कर रही हैं, इसको डबल कर दीजिएगा, इनको सिंपली आप इक्वेट कर लीजिए, आपके पास एक्सेस प्रेशर 4πr आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा डिस्कस, राइट बेटे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू ऑल बेटे।